सीएसईएन टेक गाइड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोग पैन कार्ड का काम करते हैं, भले वो एनएसडीएल से कर रहे हो या यूटीआई से कर रहे हो, तो एक प्रॉब्लम सबको आती है कि जो पैन कार्ड कलेक्शन करा जाता है तो उसमें लोगों को दिक्कत काफ़ी आ जाती है। कुछ लोग को ना आती हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को आती है कि कलेक्शन होने में किसी का नाम कलेक्शन नहीं हो रहा है और फादर नेम में दिक्कत हो रही है, डेट ऑफ बर्थ दिक्कत हो रही है। चलिए सबको छोड़िए, किसी को अगर रीअप्लाई पैन कार्ड करना है तो वही ऑब्जेक्शन करके मांग लेता है कि आपका किसी गेस्टेड ऑफिसर की नोटिफिकेशन लाए। और मेजोरिटी में लोग इस चीज़ को लेकर के कह रहे थे कि भैया ये गेस्टेड नोटिफिकेशन जो होगा वो हमसे नहीं हो पाएगा, तो पैसा वेस्ट कस्टमर का होता है, प्लस दो बातें को सुनाकर भी जाता है क्योंकि भाई काम तो किया नहीं है आपने, तो भाई जाहिर सी बात है भाई उसको ये नहीं पता चलता है ना कि गेस्टेड नोटिफिकेशन क्या होता है। उसने आपको पैसे दिए तो उसको भाई पैन कार्ड चाहिए, बात खत्म। तो ये सब की समस्या का हल हो गया है यूटीआई के थ्रू। एक पैन कार्ड की सुविधा चालू हो गई है डिजिटल मोड से कलेक्शन पैन कार्ड का। जी हाँ, पैन कार्ड डिजिटल मोड से भर सकते हैं जिसमें दो ओटीपी आएंगे और डेटा पूरा आधार कार्ड से वो उठा लेगा। सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक नया ऐसा ऑप्शन आ गया है कि जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका डिटेल्स क्या लिखी हुई है वो तक शो कर देता है इसमें। बहुत बेहतरीन ऑप्शन आया है और मैंने खुद अप्लाई किया, तीन चार मैंने अप्लाई करे और तीनों चारों में से तीन तो खैर आ गए हैं, एक हफ्ते के अंदर चौथा भी आ ही जाएगा ना, चलो देखता हूँ। खैर तीन तो अब तक आ गए हैं, तो एक का मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है और ये भी मैं अगली स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कि वीडियो कैसे, मतलब उनको अप्लाई कैसे करना है। और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं मांगता है, कुछ भी नहीं मांगता है डॉक्यूमेंट अपलोड में। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद पैन कार्ड रिसीव निकलने के बाद उसका पैन कार्ड भी 5 दिन के अंदर आ गया है, तो पूरा मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा भी, आप पूरा देख लो समझ लो, ना समझ में आए तो पूछ सकते हो। वैसे इतना कोई हेक्टिक है नहीं क्योंकि डिजिटल वाला बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये सीएससी लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद यहाँ देखिए ऊपर वाल जो लिखा हुआ है अप्लाई फॉर पैन अप्लाई फॉर करेक्शन, इस पर क्लिक कर देना है। ये पूरा आपका देखिए न्यू एकदम पूरा है ये, इसका दो लिखे हुए फिजिकल मोड डिजिटल मोड, आपको डिजिटल मोड पे यहाँ पर क्लिक करके ओके करना है और यहाँ पर जो पैन कार्ड नंबर है वो डालना है, पैन कार्ड नंबर सही डालना और गलत डालोगे तो वो बता ही देगा इनकरेक्ट, तो आप सही डालोगे ही। ठीक है, दो बार पैन कार्ड डालने के बाद इसको, अब वो आपके ऊपर है कि आप ई पैन देना चाह रहे हो या दोनों पैन देना चाह रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है, तो मैं यहाँ पर ई पैन ही दूंगा खाली क्योंकि फिजिकल मोड वाले जल्दी घर आते नहीं हैं। ठीक है, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये देखिए आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा, ये देखिए। अब फॉर्म खुलने के बाद यहाँ पर ये जो बॉक्स सुबह खाने बने हुए हैं रेड वाले, इन पे टिक करेंगे तो फिर वही चीज़ कलेक्शन लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए मैं जिनका कर रहा हूँ उनका पूरा मैं नाम लिख रहा हूँ, ये देखिए। और सबसे चीज़ मैंने जो आपको अच्छी चीज़ बताई थी ये देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनका क्या नाम दिखाता है वो सब कुछ दिखा रहा है इस पर। ठीक है, और ये देखिए इनके फादर का नाम, एक एक चीज़, मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज़ है यार कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो डिटेल्स फीड है इनकी वो सब ऑटोमेटिक उठा देता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इनके फादर नेम जो था ये मैं डाल रहा हूँ, ये आपका ये आलमगीर, ये ऐसे लिखा कैसे वो, ये देखिए आलमगीर अलग लिखा हुआ है तो मैं अब इसको अलग अलग कर रहा हूँ, ये इससे अच्छी चीज़ हुआ। और मोहम्मद आलमगीर लिखा हुआ है तो ये देखिए मोहम्मद हुआ, आलमगीर अलग अलग हो गया, ये देखिए। और अगर यही चीज़ उठाता है इसी चक्कर में ऑब्जेक्शन वगैरह आते हैं। अब देखिए ये हो गया पूरा, और नीचे देखिए इनका मेल फीमेल जो है, फादर नेम लिखना है, ये हो गया। इसके बाद इनकी डेट ऑफ बर्थ जो करनी है, मैं फिर बता रहा हूँ एक बार, ये जो रेड बॉक्स बना हुआ है रेड बॉक्स में टिक लगाओगे तो वही चीज़ कलेक्शन होगी, और अगर किसी में टिक नहीं लगाओगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा ये पैन कार्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात मैं दो तीन बार बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये इनका हो गया, यहाँ पर इनका आधार नंबर डाला जाएगा, ये आधार नंबर भी वैसे बता दूँ कि आधार नंबर आपको सही डालना होगा, गलत डालोगे तो वो उठाएगा नहीं। ठीक, ये ओके हो गया। और एक बार फिर मैं इसका पूरा चेक कर लूँ, ये इनका शेयर कमरा, ठीक है ये एक बार चेक कर लूँ पूरा, ये है, चेक करने की ज़रूरत क्या है, वो तो ऑटोमेटिक उसने मैच कर लिया डेटा पूरा। ठीक है, ये करने के बाद इनका मैंने नेक्स्ट स्टेप कर दिया। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं करना, नीचे वाला जो लिख कर आ रहा है इसमें नो डॉक्यूमेंट लिख दो, जब कोई डॉक्यूमेंट अपलोड होना ही नहीं है तो नो डॉक्यूमेंट लिख दो या कुछ भी लिख दो,
ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट मैंने लगा दे रहा हूँ, इस पर करने के बाद आप पेमेंट कर दो इस पर, क्योंकि डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड करना ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा कुछ कराने का। ठीक है, अब इसका देखिए जाके मैंने पेमेंट किया, ये आपका पेमेंट हुआ, ये वॉलेट पासवर्ड हुआ, ठीक है, ये देखिए आगे पूरा पेमेंट हो गया। अब फट से देखिए इसका OTP आ जाएगा, जो नेक्स्ट स्टेप जो होगा, जैसे ही वाला डिजिटल मोड जो बताया था मैंने, ये देखिए डिटेल्स जो है ये पूरी मैच हो गई है, और अब जो कस्टमर के मोबाइल पे OTP आ जाएगा। अब घंटा भर लगेगा मुझे OTP डालने में, क्योंकि कस्टमर को फ़ोन करना पड़ता है, वो OTP बताने में हैं करा करते हैं। तो अब इनका OTP क्या है, जल्दी बताएं OTP, बहुत टाइम लगाते हैं ये लोग OTP बताने में, मैसेज करें तो बताएंगे ये क्या है, और ये जल्दी बता दो भैया, टाइम बीत रहा है, ये है आपका OTP डाला, ठीक है, ये यहाँ से ओके करके सबमिट कर दिया। ये सबमिट करने पर ये पूरा डेटा जो होता है ऑटोमेटिक उठा लेगा जो पड़ा होगा, ये देखिएगा अभी, जल्दी सबमिट हो यार, ठीक है, ये देखिए ओके, ये इसने लिया नहीं लिया, ठीक है, ये डेटा नहीं लिया, फिर से मैं इसको Ctrl F5 करता हूँ, क्योंकि देखिए ये आधार का मसला होता है, तो इसमें घबराइएगा ना, ये होता है, प्रॉब्लम करता है कभी कभी, ठीक है, तो इसमें अब ये मत सोचिएगा कि नहीं ले रहा है, तो जैसे ही अगर ये पेज में फिल ना हो डेटा, तो Ctrl F5 ना करना, सिर्फ F5 करना, F5 करके पूरा रिफ़्रेश हो जाएगा, और फिर से देखिए ये OTP वाला बॉक्स आपका खुल जाएगा, और ये OTP वाला बॉक्स खोल करके मैं फिर से उनसे फ़ोन करके अभी OTP मांग रहा हूँ, वैसे वो मुझे मैसेज ही करेंगे कि क्या OTP है, और जल्दी बता दें तो इनकम जल्दी इसको सबमिट कर दें, क्या है भाई जल्दी बताएं, OTP ये है 1 3 3 8, ठीक है, ये टिक लगाने के बाद इसको यहाँ पर सबमिट कर दो, ले लो यार, अब तो ले लेना पूरा डेटा, उठा लो, ले लो, हाँ चलो बहुत सही है, देखिए डेटा पूरा उसने ऑटोमेटिक उठा लिया, ठीक है, यहाँ पर टिक नहीं लगाना है, अगर आपको एड्रेस वगैरह करेक्शन नहीं करना है, कुछ इसमें खुद से कारीगरी मत करना वरना फंस जाएगा, ठीक है, खुद से कारीगरी मत करना यहाँ पर कुछ भी, और यहाँ पर जो है इनका मोबाइल नंबर वगैरह चेंज करना है, तो यहाँ पर ये डाल दो, क्योंकि इनका मोबाइल नंबर चेंज हो करना है, तो मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया, ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मुझे चेंज करनी है, अगर टिक यहाँ नहीं लगाओगे तो चेंज नहीं होगा, पुराना वाला ही नंबर पुरानी वाली ईमेल आईडी पड़ जाएगी, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो चेंजेस करने होंगे उस पर टिक लगाना, ऐसा ना हो कि पूरा फॉर्म भर दो किसी पर टिक ना लगाओ, फिर मेल और मैसेज पुराने वाले पे आएगा, फिर सोचते फिरोगे, कहते फिरोगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो ये करने के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप कर दिया, नेक्स्ट स्टेप करने के बाद इनका एरिया कोड ले लेगा, ये फ़ोटो और साइन देख मैच हो गया, अच्छा एरिया कोड का ऑप्शन आया नहीं इसमें, ठीक है चलो, ये वाला जो ऑप्शन 4 पैन की ये छोड़ देना, इसमें कुछ नहीं बनना है, यहाँ टिक करोगे तो ऑटोमेटिक नाम उठा लेगा, यहाँ सिर्फ 1 कर देना, ठीक है, 1 करो 10 करो कोई मतलब नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होने, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है, और यहाँ आपने चपाक से कर दिया सबमिट, ये कर दोगे सबमिट, इसके बाद आपका ई साइन वाला पेज खुल जाएगा, जो दूसरा OTP आता है, जो लोग डिजिटल मोड वाला काम करते हैं उनको पता होगा क्या होता है, और ये कंटिन्यू कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इनका डाला आधार नंबर, आधार नंबर डालने के बाद फिर से मारा OTP, और फिर टाइम लगेगा OTP देने में, दे दो भैया OTP, ये मैसेज करेंगे तो OTP आएगा, तभी मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि सामने कस्टमर बैठा हो तो भरो बैठ करके, और मैं चट से OTP ले लेता है, अब यहाँ मैं इनको फ़ोन करूँगा, ये मैसेज बताएंगी, ये देखिए आप बताइए नहीं मैसेज मुझे, ये है, ये ठीक है, OTP डालने के बाद यहाँ टिक लगा करके सबमिट कर दिए, और ये देखिए इनकी चढ़ाक से रसीद कट जाएगी, रसीद कट गई तो समझ लिए इनका पैन कार्ड ओके, रसीद नहीं कटी तो समझ लिए पैन कार्ड ओके नहीं होगा, ये देखिए आपका पूरा पैन कार्ड यहाँ से बन गया है, और ये रसीद है, इसको डाउनलोड करके चाहे तो आप कस्टमर को दे दें,
और इसकी पीडीएफ निकाल के या प्रिंट आउट निकाल लें, पीडीएफ सेव करके आप व्हाट्सएप करिए, जो आपको बेहतर लगे वो करिए। और ये इसका सेव कर लिए पैन कार्ड की रसीद, जैसा बेहतर लगे आपको। ये होता है प्रॉपर प्रोसीजर इसका, ठीक है। ये देखिए मैंने इनकी रसीद काटी थी 15 तारीख की, ठीक है, 15 फरवरी। और अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इनका पैन कार्ड आया कब बन करके है। और ये देखिए मैंने इनका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करा, और ये देखिए ये कब आया है, ये देखिए ये कब आ गया, 18 फरवरी को ये आ गया है। मतलब कि 3 दिन में पैन कार्ड क्रिएशन वाला आ गया है विद सबूत। मैं पैन कार्ड आपको खोल के भी दिखाई दे रहा हूँ और डिटेल्स मैं ब्लर कर दे रहा हूँ, कि आप लोग जानते हैं प्राइवेसी का मामला होता है, तो डिटेल्स मैं ब्लर कर दे रहा हूँ उनकी। बस ये सबूत है कि इनका पैन कार्ड बन के आ गया है, ये देखिए, ठीक है। तो ये मैंने अपनी बात साबित कर दी भाई, और मैंने बता दिया कि पैन कार्ड करेक्शन का 3 दिन में आ जाता है। तो आप लोग भी इसी तरीके से पैन कार्ड भरिए और पैन कार्ड आपका फटाफट आपके मेल पर 3 दिन में आपके मेल पर आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको प्रूफ दे दिया, 3 दिन के अंदर अंदर आपका पैन कार्ड आ गया डिजिटल मोड वाला, और बहुत ही ज़बरदस्त सेवा है ये। फिलहाल पैन कार्ड के लिए तो मुझे न्यू पैन कार्ड तो चलिए था ही, लेकिन करेक्शन के लिए लोग बहुत भागदौड़ी कर रहे थे, तो उन लोग के लिए ये एक मौका है। तो इसको अगर आप अप्लाई कर दो, ओपन सर्च का मुझे खैर नहीं पता है, होगा उसमें भी होगा ही, क्योंकि अगर इसमें है तो उसमें भी होगा ही। तो UTI से करेक्शन पैन कार्ड करो और जितना हो सके करेक्शन करो। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम का चैनल भी है उसमें भी आप जुड़ करके ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड थैंक यू।